लखनऊ में हालात बिल्कुल सिविल वॉर जैसे हैं और इमरान को टारगेट करके चली आ रही जो चारों तरफ से गोलियों की आवाज थी उससे अब ऐसा लग रहा है कि सियासी पारा तो तेज है ही, माहौल एक अलग तरह का बन गया है। पाकिस्तान के चारों सूबों को इसने धधका दिया है। पाकिस्तान में आज शाम के बाद हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि विद्रोह की लपटें मार्शल लॉ तक जा पहुंची है और पेशावर में हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी आग लग गई है। विद्रोह के लपटों ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। युद्ध की आग में पाकिस्तान चल रहा है, सुलग रहा है, खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जलजला आने वाला है जिससे बचना असंभव है। आग, रोश, आक्रोश और क्रोध की तस्वीरें इसी का ऐलान कर रही खुल्लम खुल्लम। पाकिस्तान में सिविल वॉर इसलिए भड़की क्योंकि पूर्व वजीर आजम इमरान खान पर जानलेवा हमला हो गया। शूटर ने एक नहीं बल्कि 10 गोलियां दाग दी, यानी इमरान को जान से मारने की, हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने की पूरी प्लानिंग थी। इमरान खान को 4 गोली लगी, वो जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि इमरान खान बाल बाल बच गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पीटीआई के चीफ इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ तो उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक क्रोध से भर गए। वो पाकिस्तान की सड़कों पर उतर आए, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक तांडव मच गया। शहर शहर भीड़ ने पाकिस्तानी हुकूमत, वहाँ की सेना और ISI के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा बिगुल फूंक दिया। उसी सेना और ISI के खिलाफ जिसके इमरान खान से दुश्मनी चल रही है। शहर को आग के हवाले कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल रहा है, कानून को पैरों तले कुचला जा रहा है। हालात इमरजेंसी जैसे हैं। सबसे खराब हालात पेशावर के, यहाँ पाकिस्तानी आवाम ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान पर हमले के बाद लोग इतने गुस्से में हैं कि पाकिस्तान को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। ये वो बगावत है जिसे ना पुलिस रोक पा रही है और ना ही पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान में एक तरफ आक्रोश की आग है तो दूसरी तरफ दर्द का दरिया बह रहा है। इमरान के समर्थक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत भर है, ये दर्द और बढ़ने वाला है। आक्रोश सातवें आसमान पर पहुँचने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।